एक और पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए सरकार देश भर में मुहिम चलाई जाती है। वहीं मेंटेनेंस के नाम पर विद्युत मंडल खरगोन ने कलेक्टर कार्यालय में एक हरे भरे पेड़ को काट दिया, जिससे पेड़ पर बैठे सैकड़ों साइबेरियन पक्षियों सहित चूजों की मौत हो गई। घोंसले में अंडे भी खत्म हो गए। वर्तमान में प्रवासी साइबेरियन पक्षियों का प्रजनन काल चल रहा है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग का अमला पहुंचा और इस पर पंचनामा बनाकर विद्युत मंडल के खिलाफ कार्यवाही की बात कही। वहीं एमपीईबी के अधिकारी का कहना है कि मेंटेनेंस किया जा रहा है। तारों का पेड़ की झाड़ियों आने से उनकी छटनी की जा रही थी, फिर भी इस तरह की जिसने भी लापरवाही की है कार्यवाही की जाएगी। खरगोन संजय तिवारी की रिपोर्ट। देखो, ये जो जिलाधीश कार्यालय के गेट के ऊपर विलायती इमली के झाड़ के यहाँ पे बहुत सारे बगले यहाँ पर निवास करते थे, उनके घोंसले बने हुए थे और मेंटेनेंस के नाम पर जो यहाँ पे वृक्ष काटा गया, इसमें कई बगले आपने देखे कि यहाँ मृत पड़े हुए हैं, उनके चूजे छोटे बच्चे हैं वो तरा रहे हैं और कई बगलों का हस्कियाना उजड़ चुका है, बहुत सारे बगले पड़े हुए हैं। जीव जंतु कल्याण आयोग है या वन्य प्राणी अधिनियम है उसके अंतर्गत इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और ये मुक्त प्राणियों के साथ में जो हिंसा की गई है बहुत दुखद है और पीड़ादायी है। ये किसी विभाग के द्वारा जो मेंटेनेंस जो किया जाता है बरसात के दिनों में उसके तहत की गई है, लेकिन इसको कुछ उड़ा सकते थे पहले, इनको यहाँ से अलग तरीके से कुछ कर सकते थे, उसके बाद में यदि किया जाता तो ठीक होता। इस प्रकार वन्य प्राणियों को मारना, इसके लिए बहुत सारे अधिनियम है और उसके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए, इनके विरुद्ध, सभी के विरुद्ध। क्या नाम? मेरा नाम है संजय कुमार पाराशर। झाड़ के काफ़ी टाइम से था यहाँ, आज इसको गिरा दिया गया है, तो पंचीवन मर रहे हैं। आसियाना उजड़ने का गम क्या होता है ये इन पक्षियों को देखकर समझ सकते हैं आप। घर उजड़ने से इंसान तो क्या पक्षी तक, मतलब कहना चाहिए कि बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। अधिकारियों को पहले ये सोचना था कि इस वृक्ष पर पक्षी रह रहे हैं तो उनको ना काटा जाए, क्यों कि आसियाना ही सबसे बड़ा घर होता है, स्थान होता है जहां आदमी को अपने मन की शांति मिलती है। आज देखो कितने पक्षी मर गए हैं यहां पर, इनको देखने वाला कोई नहीं, बस पेड़ काट के फेंक दिया। पक्षी मरे तो मरे, क्या उनकी कोई जान नहीं है? क्या उनकी कोई फीलिंग नहीं है? आज एक घर जब उजड़ जाता है तो 17 लोग खड़े हो जाते हैं। अब इस पक्षियों के लिए देखिए, मैं पक्षी प्रेमी हूँ और वृक्ष प्रेमी भी हूँ। मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में लगभग 1000 नीम के पेड़ लगाए हैं मध्य प्रदेश के विभिन्न जगहों पर मुझे आज बहुत दुख हुआ ये देख कर। ये पक्षी बेचारे जिनका आसियाना उछड़ गया, कुछ मर रहे हैं कुछ मर चुके हैं, तो मुझे बहुत ही बुरा दुख हुआ ये देखकर कि आज मैं कुछ कर सकता है इनके लिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेवा शंकर सोनी है और मैं गोगावा गर्ल बॉयज हायर सेकेंडरी में शिक्षक हूँ। द्वारा जो सूचना दी गई कि यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस के मेन गेट पर एक वृक्ष काट दिया गया है एसपीपी के द्वारा, तो ये जो भी वृक्ष काटा गया है इसकी परमिशन वन विभाग द्वारा नहीं दी जाती है, इसकी परमिशन एसडीएम या अपने तहसीलदार महोदय के द्वारा दी जाती है और नगर निगम सीमा में जो भी वृक्ष आते हैं उसके लिए संबंधित अधिकारी का राजस्व का जिम्मेदार रहता है। और ये जो भी वृक्ष काटा गया है इसमें वन्य प्राणी जो मैं देख रहा हूँ मृत हो गए, उसको वन्य प्राणी एक्ट के तहत यहाँ कार्रवाई की जाएगी और एमपीबी से इससे संबंधित पूछा जाएगा कि आपके द्वारा क्यों काटा गया और जो ये वृक्ष कटा हुआ पड़ा है और जो वन्य प्राणी मृत पाए गए हैं उसके विरुद्ध वन्य प्राणी तहत कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे पक्षी इधर जो है कि छोटे पक्षी हैं जो उड़ नहीं पाएंगे, तो इनको कहाँ जंगल में छोड़ा जाएगा? इनका वहाँ उपचार किया जाएगा, तो अपना वेटनरी डॉक्टर से बुला के इसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी और उसका उपचार किया जाएगा। जंगल में सुरक्षित जगह पर छोड़ देगा। बहुत से अभी मरी रहे हैं सर, बहुत सारे अभी देखते देखते कम से 20 से 25। तो अपन वेटनरी डॉक्टर से इसका उपचार कराएंगे और जो मर गए हैं उसके लिए तो उससे कार्रवाई की जाएगी वन्य प्राणी एक्ट के तहत, जो भी संबंधित विभाग होगा या जो भी संबंधित कर्मचारी इसने ऐसी कार्रवाई कृत्य किया है उसके लिए उसके ऊपर वन्य प्राणी के तहत कार्रवाई करेंगे। क्या नाम सर आपका? रामगोपाल दशोरे, फॉरेस्ट रेंजर, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल
SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।